नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर शिवसेना और बीजेपी में मतभेद। मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राष्ट्रपति शासन को लोकतंत्र का गला घोटना बताया। उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच की शरण में पहुंची केंद्र सरकार। सिंगल बेंच के फैसले को दी है चुनौती। कोर्ट ने रावत को कल बहुमत साबित करने के लिए कहा है। 4,000 करोड़ की कर्ज की अदायगी के लिए तैयार हुए विजय माल्या। सुप्रीम कोर्ट में माल्या के वकील ने रखा रीपेमेंट का प्रस्ताव। सितंबर तक पैसा लौटाने का है प्लान। बैंकों ने प्रस्ताव पर विचार के लिए मांगा समय। सिख विरोधी दंगों और गुजरात दंगों को अलग अलग बताने पर घिरे कन्हैया कुमार। बीजेपी सांसद किरण खेर ने कहा कन्हैया का जमीर मर गया है। 3 देशों के दौरे पर ब्रसल्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गार्ड ऑफ ऑनर से किया स्वागत। आज रात भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।